तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे पॉपुलर टीवी शोज में से एक है। ये शो पिछले कुछ महीनों से विवादों में भी घिरता नजर आया। कुछ ने तो सीरियल के मेकर्स असित मोदी पर गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन अब दया भाभी का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी की वापसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शो के खाली एपिसोड में दया भाभी की वापसी की ओर इशारा किया गया, जो कभी दर्शकों को अपनी टेलीविजन स्क्रीन से बांधे रखता था। जी हाँ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दया बहन का फेमस कैरेक्टर 6 साल के लंबे ब्रेक के बाद शो में वापसी करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा वकानी इस साल दिवाली तक शो में वापसी कर सकती है। फैंस के लिए काफी खुशी वाली ये बात है। हालांकि अभी तक इन खबरों को लेकर कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले पिंक विला की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दया बहन का किरदार पर्दे पर वापस आएगा, लेकिन पॉपुलर अभिनेत्री राखी विजान ये भूमिका निभाएंगी। फिर एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि शो के निर्माता और दिशा संपर्क में थे और शो में उनकी वापसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी और अभिनेत्री ने हमेशा के लिए शो छोड़ने का फैसला किया। वेल, आपको क्या लगता है, दिशा वकानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापसी करेंगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।